क्या आपको पता है इंसानों का स्पेस में जाने से पहले एक चिंपैंजी को स्पेस में भेजा गया था ये जानने के लिए कि इंसान को अगर अंतरिक्ष में भेजा जाए तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे और क्या इंसानी शरीर अंतरिक्ष के वातावरण में स्पेस सूट के अंदर सही से काम करेगा। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए यूएस स्पेस प्रोग्राम ने 1958 में प्रोजेक्ट मर्क्यूरी बनाया जहाँ पे 41 चिंपैंजियों को ट्रेनिंग दिया गया। इस ट्रेनिंग के दौरान उन चिंपैंजियों को मशीन के सटीक लीवर को खींचना, उसे कंट्रोल करना, लाइट ऑन ऑफ करने जैसा काम को सिखाया गया और आखिर में सब्जेक्ट नंबर 65 जिसका इंटेलिजेंस और काम करने की क्षमता सबसे बेहतर होने के कारण 31 जनवरी 1961 को उसे स्पेस सूट पहना के स्पेस क्राफ्ट में बिठा के MR-2 को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में ये चिंपैंजी करीबन 17 मिनट तक घूमता रहा और अपने ट्रेनिंग में सिखाए गए हर एक टास्क को बखूबी से अंजाम देने के बाद अपने कैप्सूल समेत अपने टारगेट से 130 किलोमीटर दूर सही सलामत लैंड करने में कामयाब रहा। इतने बड़े सक्सेस के बाद सब्जेक्ट नंबर 65 का नाम बदल के रखा गया है हम यानी होलोमैन एयर नेशनल मेडिकल सेंटर जहाँ पे उसका ट्रेनिंग हुआ था। क्यों है ना कमाल की बात।